नमस्कार, ओम शांति। कहा जाता है हर कोई हर किसी की कीमत नहीं जानता, हर कोई हर किसी के गुणों की, दिव्यता की, डिविनिटी की वैल्यू नहीं कर सकता। और ये तो होते आया है, लेकिन कई बार अगर सही मार्गदर्शन मिल जाए जीवन में तो सही में हम सफल भी होते हैं, और हमारा प्रॉपर स्थान पे, जो हमारा स्थान है, जो हमारा कैलिबर है, वहाँ पे हमें प्रॉपर एक्सपोजर भी मिलता है। बच्चे ने ग्रेजुएशन कर लिया, पिता ने एक पुरानी कार बेटे को कहा कि चूंकि अपने ग्रेजुएशन कर लिया है और अब तुम जॉब भी करने लगोगे, ये गाड़ी मैं तुमको दे रहा हूँ। गाड़ी पुरानी थी लेकिन बहुत एक जमाने की फेमस कार थी। पिताजी ने कहा कि ये गाड़ी लेके जाओ और गैरेज में पूछो कि इसकी क्या कीमत देंगे। बच्चा कार लेके पहुंचा, आके पिताजी से कहा, पिताजी वो गाड़ी की कीमत 60,000 रुपये देने को तैयार है। पिताजी मुस्कराए, कहा ऐसे भंगार वाला जो होता है, लोहे के सामान लेते हैं, उनके पास लेके जाओ और पूछो। वो वहाँ पे लेके गया, आकर बताया, पिताजी वो कह रहे हैं कि ये बहुत पुरानी है, इसका सिर्फ लोहा ही काम आएगा और इसके हम ज़्यादा से ज़्यादा 6,000 रुपये दे सकते हैं। पिताजी ने कहा ठीक है, एक काम करो, एक क्लब का नाम लिया जहाँ पे पुरानी चीज़ें संग्रह की जाती हैं, ओल्ड इज गोल्ड कह के जो पुरानी चीज़ें हैं उनको एकत्र करते हैं, उस क्लब में जाओ और वहाँ पे ये गाड़ी का पूछो कि कितने मिलेंगे। वो बच्चा उस गाड़ी को लेकर वहाँ पे पहुँचा और जब दिखाया कि ये गाड़ी हमें बेचनी है, वो लोग बहुत खुश हुए क्योंकि इतना पुराना और इतना अच्छा, बहुत फेमस कंपनी का मॉडल उनके पास नहीं था और उनकी एक प्रकार से कलेक्शन का जो शौक था, उन्होंने ऑफर किया 60,00,000 रुपये। बेटा खुश होकर आया और कहा, पिताजी उन्होंने इस गाड़ी के 60,00,000 रुपये प्राइस बताई। पिताजी ने कहा, इन बातों से तुम कुछ समझे? कहा, नहीं पिताजी, आप क्या समझाना चाहते? कहा, बेटा ये बात मैं तुम्हें इसलिए समझा रहा हूँ कि हमारे गुणों की परख, हमारी जो क्षमता है, हमारी जो कैलिबर है, उसको हर कोई नहीं पहचान सकता। सिर्फ परिश्रम कर लेने से, सिर्फ डिग्रियां प्राप्त करने से ही हम अच्छी जगह सेट नहीं हो सकते। लोगों को, ऐसे लोगों के बीच जाओ जो उस चीज़ की वैल्यू जानते हो, तब जीवन में सफलता आसानी से मिलती है। तो सफलता का एक मंत्र यही है कि हम मेहनत तो करें, परिश्रम तो करें, अपनी क्षमताओं को बढ़ाएं, बड़ी से बड़ी डिग्रियां भी लें, लेकिन सही लोगों का संग अगर करें तो हमें सही वैल्यू, यानी हमारी जो वैल्यू है, हमारी जो एक काम की कीमत जाननी चाहिए। कहते हैं ना, इन्होंने मुझे पहचाना नहीं, ये मुझे जानते नहीं कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। कई बार हम कहते हैं, कुछ ऑफिसों में अगर प्रमोशन नहीं मिले या जितना अच्छा हम काम कर सकते उतना अच्छा काम नहीं मिलता, तो हम ऐसे कहते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि जीवन में ऐसे लोगों के साथ उठे बैठें जो हमारी वैल्यू जानते हों। हम अपनी कला को, हम अपनी क्षमताओं को तभी पॉलिश कर सकते हैं जब हमें सही संग, सही लोग मिलेगा। आप कहेंगे आज के ज़माने में ऐसा तो नहीं होता, चॉइस नहीं होती, बेगर हैज़ नो चॉइस, नो। अगर हम सही तलाश करते हैं, सही हमारा एटीट्यूड होता है, तो हमें सही लोगों का साथ मिल जाता है। कहते हैं कि जब आप कोई काम बहुत शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात
कॉन्स्परेसी करके आपकी उस इच्छा को पूरी कर देती है, लेकिन उस शिद्दत से आपको उस चीज की अंदर से लगन होनी चाहिए कि मुझे ऐसी जगह सेट होना है, इस प्रकार की कंपनी हो, इस प्रकार के लोग हों, और सही में आपको उस प्रकार के लोग मिल जाएंगे। आप भगवान का भी साथ चाहते हैं तो भगवान का भी साथ आपको मिल सकता है, अगर आप दृढ़ इच्छा से कहें कि हे कायनात, मुझे मेरे परमात्मा से मिला दें। और जहां आप दिल से, सच्चे दिल से कहेंगे तो पूरी कायनात जुड़ जाएगी आपको परमात्मा से मिलाने का। मुझे आत्मा को अनुभव है और मैं उस परमात्मा से मिलने का आनंद रोज उठाती हूँ, आप भी उठा सकते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र में जाइए, वहाँ आपको किस तरह साधना करना है, योग करना है, परमात्मा से योग लगाना है और शक्तियों से अपनी कलाओं को निखारना है, उसका ज्ञान मिलेगा और आप अपनी सही मंजिल पर पहुँच जाएंगे। नमस्कार, ओम शांति।